नमस्कार, डेली न्यूज 360.com में आपका स्वागत है। पूर्वोत्तर में भाजपा के किंग मेकर माने जाने वाले हिमंत बिश्व शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में हमें सिखाया जाता था कि देश में धर्म निरपेक्षता है। कांग्रेस की धर्म निरपेक्षता की परिभाषा है कि राम हमारे भगवान नहीं है, बाबर हमारा भगवान है। लेकिन आज भाजपा के सत्ता में आने के बाद भारत के लोगों के मन में यह भाव है कि बाबर हमारा दुश्मन था और राम हमारे भगवान है। हिमंता हैदराबाद में आयोजित भाजपा युवा मोर्चा के नेशनल कन्वेंशन को संबोधित कर रहे थे। असम के वित्त मंत्री ने कहा कि मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा में रहने का सौभाग्य नहीं मिला। 25 सालों तक कांग्रेस में रहने के दौरान मुझे भाजपा के बारे में ज्यादा जानने का मौका नहीं मिला, लेकिन जब मैं भाजपा में शामिल हुआ और यहाँ लोगों से मिला तब सोचा कि मैंने क्यों 25 साल कांग्रेस में बर्बाद कर दिए। शर्मा ने कहा, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा में लोगों से मिलता हूँ तब वे भारत माता की जय कहते हैं, लेकिन भारतीय युवा कांग्रेस में था तब हमें राहुल गांधी की जय बोलना सिखाया जाता था। बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा का नेशनल कन्वेंशन 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच हैदराबाद में आयोजित किया गया था। विजय लक्ष्य युवा महाधिवेशन नाम के इस अधिवेशन में भाजपा युवा मोर्चा के देश भर से 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इनमें देश भर के युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के अलावा मंडल स्तर तक के युवा मोर्चा के पदाधिकारी को बुलाया गया था। इस अधिवेशन का शुभारंभ गृह मंत्री राजनाथ सिंह और युवा मोर्चा के अध्यक्ष पूनम महाजन ने किया था। धन्यवाद। अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और लाइक करें हमारा Facebook पेज।